नमस्कार दोस्तों, आज आपका हमारे चैनल स्टडी आर्ट्स एजुकेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल में नए हैं तो कृपया करके आप वहां पर बना हुआ सब्सक्राइब का जो बटन है आप उसको एक बार क्लिक कर लीजिए, और साथ में बना हुआ जो रिंग बेल है आप कृपया करके उसको क्लिक कर लीजिए, ताकि आपको हमारे जो नए नोटिफिकेशन है वो आपको मिलते रहें। दोस्तों, आज मैं आपको वर्ड के बारे में समझाने जा रहा हूँ, जो कि आपको प्रोवाइड किया जाएगा महेश महाजन जी से। ठीक है दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं वर्ड के बारे में। ठीक है दोस्तों, वर्ड में क्या होता है, वर्ड में सबसे पहले हम आपको बताने जा रहे हैं कि आपका वर्ड जो है क्लिक किया, फिर उसमें हम आपको टेबल के बारे में समझाने जा रहे हैं। टेबल में होता है कि इंसर्ट टेबल, जिसमें रोज़ और कॉलम होते हैं, आपको जितने कॉलम और जितनी रोज़ की ज़रूरत है आप उसको कर लीजिए क्लिक। अब यहाँ पे मैं आपको एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड के फाइल में समझाने जा रहा हूँ। दोस्तों, इसमें क्या होता है, हमने स्टूडेंट का रिकॉर्ड बनाना होता है, जैसे स्टूडेंट नेम लिखा, क्लास, इसमें होंगे सब्जेक्ट जैसे हिंदी, इंग्लिश, मैथ, फिर इसमें हमने स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड बनाना है, जैसे स्टूडेंट का नाम लिख दिया रमेश, क्लास आ गई फर्स्ट, हिंदी के मार्क्स जो है वो हम अपने हिसाब से करेंगे, जैसे 54, 34, 33। फिर आ गया सुरेश, क्लास फर्स्ट, मार्क्स आप अपने हिसाब से कर सकते हैं इंसर्ट। देखिए, पूरा रिकॉर्ड बनने के साथ फिर मैं आपको समझाऊंगा कि हाँ, इसमें जब भी आप कोई भी ऑब्जेक्ट को करेंगे यूज़, टेक्स्ट को छोड़ के इसमें जो भी होता है वो होता, हम उसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट। जैसे आ गया टेबल, टेबल में देखिए, टेबल में सबसे ऊपर आ रहा है टूल्स। अब जैसे आ गया डिज़ाइन, डिज़ाइन में ये दिए हैं डिज़ाइन, बने बने स्टाइल, और एक होता है मैनुअल कि आपने अपने हिसाब से यूज़ करना हो। ये देखिए, जैसे ये आ गया नॉर्मल आ गया, ठीक है। अब हमने अपने हिसाब से, जैसे ऊपर वाली रो है, हमने इसका बैकग्राउंड चेक करना हो तो शेडिंग में जाके हम यहाँ पर हम कर सकते हैं क्लिक। उसके बाद देखिए, ये मैंने फर्स्ट कॉलम को किया क्लिक, अब मैंने इसमें, अब उसके हिसाब से मैंने इसको बैकग्राउंड वगैरह चेंज किया, और साथ में अगर आपने इसमें बॉर्डर वगैरह करना हो चाहिए तो आप यहाँ से ये दी ऑप्शन दी हुई हैं, जैसे आ गया बॉर्डर एंड शेडिंग में जाके नन कर दिया तो सारा बॉर्डर जो है वो हो गया क्लियर। ठीक है जी, फिर इसमें अब डिफरेंट दी होंगी लेआउट्स, फिर से हमने किया टेबल पर क्लिक किया, करने के बाद डिज़ाइन पर जाके बॉर्डर्स पर क्लिक किया। अब देखिए, यहाँ पर दिया हुआ बॉक्स, इसमें होता है आउटलाइन, आउटलाइन पे क्लिक किया, ओके किया। देखिए, इसमें पूरे जो आपका है बॉर्डर, उसका बाउंड्री शो हो गई, इसको हम बोलते हैं आउटलाइन। एक होता है ऑल बॉर्डर, इसमें हर बॉक्स का जो है बॉर्डर आपको शो होगा, नो बॉर्डर करने से सारी जो उसकी आउटलाइन है वो, बाकी ये डिफरेंट दी हुई है लेआउट्स बॉर्डर में जाके। ठीक है जी, आउटसाइड का आउटसाइड आ गया, फिर आ गया इनसाइड का। ठीक है जी, सेम ऐसे आप बॉर्डर की ऑप्शंस को यूज़ आराम से करते हैं, जैसे डायगनल अप डायगनल डाउन बॉर्डर वगैरह यूज़ करना हो तो वो आप यहाँ से आराम से कर सकते हैं। साथ साथ में देखिए, अगर हमने इसमें अगर टेबल हमने ड्रॉ करना हो तो यहाँ से हम इसकी विड्थ कितनी मोटी करनी है, कितनी पतली करनी है, वो यहाँ से आप ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे ये देखिए, ये मैंने कॉलम किया, ये मैंने रो की, ठीक है दोस्तों। फिर अगर हमने रोज़ या कॉलम या फिर हमने बॉक्स का रख अगर हमने डिलीट करना हो, हटाना हो, तो हम ये वाली ऑप्शन जो इरेजर की है वहाँ से हम आराम से करते हैं रिमूव। ठीक है जी, फिर आती है लेआउट्स। अब लेआउट्स में क्या होता है, अगर हमने इसमें रोज़ और कॉलम्स वगैरह हमने करने हैं इंसर्ट, तो उसके लिए अब इंसर्ट अबव और बिलो में दिया होता है हमारा रोज़। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपने जहाँ पर क्लिक किया हुआ है, ठीक है जी, अगर आपने उसके ऊपर ऊपर करना है इंसर्ट या नीचे, तो उसके लिए आपको वहाँ पे होगा इंसर्ट रो, और जो लेफ़्ट और राइट की ऑप्शन दी हुई है वहाँ पे अगर आपको कर सकते हैं, इसमें कॉलम जो है वहाँ पे हो जाएगा इंसर्ट। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, टू क्रिएट न्यू रो एंड कॉलम इन द टेबल रो देयर आर फ्यू ऑप्शंस अवेलेबल, इंसर्ट अबव एंड बिलो। ठीक
ठीक है जी, तो आपके सामने ये नई रो कर देगा शो। फॉर एग्जांपल मैं आपको अभी इसके बारे में समझाने जा रहा हूँ, क्रिएट न्यू रो। अगर हमने इंसर्ट लेफ्ट और राइट जो होगा वो शो होगा कॉलम, दोस्तों लेयर पे गए। सबसे पहले हमें वहाँ पे करना क्लिक जहाँ पे हमने रो लेके आनी है। देखिए हमने इंसर्ट बफ किया तो उसके ऊपर शो होगी रो। अगर हमें डिलीट करना है तो किसी बॉक्स पे करके क्लिक और रो पे, डिलीट रो पे जाके करना पड़ेगा क्लिक। तो उससे क्या होगा आपकी रो डिलीट हो जाएगी। सेम ऐसे लेफ्ट और राइट में नया कॉलम आ गया, अगर इसको डिलीट करना है सेलेक्ट किया डिलीट डिलीट कॉलम। ठीक है दोस्तों, अब देखिए अब इसमें कहता है कि हमने नया रो नया कॉलम लिया, अब हमें सिर्फ बॉक्स करना हो चाहिए। तो उसके लिए इंसर्ट सेल में जाके यहाँ पे आता है कि इंसर्ट सेल्स डाउन करना है, तो ओके किया तो वो वाला सेल जो है वो नीचे आ जाएगा, वहाँ पे नया हो जाएगा इंसर्ट। फिर इसके बाद आता है डिलीट। डिलीट में होता है उसके ऑपोजिट कि जो सेल आपने डिलीट करना है उसकी जगह पे आपने कौन सा लेके आ जाते हैं। अबव वाला जो नीचे वाला का वो आपके सामने ऊपर हो जाएगा शो। अब देखिए नीचे वाली जो रो है हम उसको डिलीट करना है, तो डिलीट रो पे क्लिक। ठीक है दोस्तों, तो अब इसमें इसके बाद है मर्ज। देखिए ऊपर दिया मर्ज का मतलब होता है कि मल्टीपल सेल्स को हमने एक में करना कन्वर्ट। और फिर आता है स्प्लिट। स्प्लिट में क्या होता है कि एक को हमने मल्टीपल में कन्वर्ट करना है और मर्ज को मल्टीपल से सिंगल में करना कन्वर्ट, ये इसमें होता है डिफरेंस। ठीक है दोस्तों, फिर इसमें इसके बाद यह होता है हमारे पास स्प्लिट टेबल। स्प्लिट टेबल में क्या होता है कि आपने एक टेबल की कितनी रोज़ को आपने कितने, जैसे इसमें है क्योंकि हमने सुरेश के बाद जो है हमने सुरेश से हमने नया वो लेके आना है टेबल, तो उसके लिए स्प्लिट किया। देखिए दो हो गए, दो में हो गया कन्वर्ट टेबल। बाकी इसकी रो की हाइट विड्थ जो है वो यहाँ पे दी हुई है, आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से आप उसकी हाइट और विड्थ आराम से डिक्रीज इंक्रीज कर सकते हैं। फिर आता है आउट ऑफ इट। आउट ऑफ इट में क्या होता है कि जैसे आपका जो मार्जिन होता है, मार्जिन होता है कि आपके जो आपने लेफ्ट सेंटर राइट, मार्जिन होता है कि जो आपका टॉप बॉटम लेफ्ट और राइट से जो हमने स्पेस छोड़ के जो हमने करना होता है टाइप, हम उसको बोलते हैं मार्जिन। तो आउट ऑफ इट ऑफ कंटेंट का मतलब होता है जो विद इन टेक्स्ट एरिया के बीच में अगर हमने इसको कंटेंट को करना हो फिट, तो उसके लिए हमारा यूज़ होता है आउट ऑफ इट में जाके, आउट ऑफ इट टू कंटेंट। फिलहाल मैं आपको इसकी विड्थ और हाइट के बारे में समझा रहा हूँ। आउट ऑफ इट टू कंटेंट किया, ठीक है जी। क्या हुआ कि जितना जितना हमने लिखा हुआ टाइप तो वो उतने बॉक्स उतने में हो गया फिट। फिर आता है विंडो। देखिए विद इन मार्जिन जो है वो हो गया शो। बाकी ये होती है पोजीशन टेक्स्ट की कि ये एक बॉक्स के मुताबिक ये टॉप लेफ्ट टॉप सेंटर टॉप राइट ये दिया हुआ, टॉप मिडल और बॉटम के हिसाब से। बाकी टेक्स्ट डायरेक्शन आ गई, ठीक है। ये आ गया सॉर्टिंग की, अगर आपने आपका कंटेंट जो है कॉलम वाइज आपने असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर के हिसाब से करना हो, ओके किया। फिर इसके बाद देखिए ये सारा फर्स्ट कॉलम से के हिसाब से हो गया। फिर आता है कन्वर्ट टू टेक्स्ट। जैसे हमने हमें बॉक्स की ज़रूरत नहीं है तो हमने उसको सिंपल टेक्स्ट में करना हो कन्वर्ट, तो ये देखिए पैराग्राफ के हिसाब से हो गया। फिर इसके बाद आएगा हमारा टैब के हिसाब से। टैब में क्या होता है जहाँ जहाँ पे पोजीशन है वो वहीं पे होगा शो। फिर आगे कॉमा की, हर वर्ड के बाद कॉमा शो हो जाएगा। देखिए फिर इसके बाद फॉर्मूला, अगर हमने कोई फॉर्मूला वगैरह इसमें यूज़ करना है, जैसे प्लस का माइनस का या फिर एवरेज वगैरह निकालनी हो, ठीक है जी, तो वो हम यहाँ से आराम से कर सकते हैं। ऐसे फॉर्मूला आ गया, फॉर्मूला जैसे इसमें दिया हुआ सम कि जो ऊपर की वैल्यू है उसका हमने करना हो टोटल, सेम यहाँ पे इसका भी आ गया। ठीक है दोस्तों, फिर इसके बाद ये कुछ दिए जैसे एवरेज प्रोडक्ट हो गया, ट्रू हो गया, सम हो गया, वो डिपेंड करेगा अगर वैल्यू ऊपर अगर ठीक दी हुई है तो उसके हिसाब से शो हो जाएगा, अदरवाइज वो सिंटैक्स एरर आपके सामने हो जाएगा शो।
बाकी है। फिर से यहाँ पे गए इंसर्ट, फिर पिक्चर के में, अगर पिक्चर का मैं आपको समझाने आ रहा हूँ, दूसरा है पिक्चर का कि अगर हमने इसमें पिक्चर का कंटेंट यूज़ करना हो, जैसे आ गया पिक्चर, इसमें पिक्चर के बारे में दिया हुआ है। ये देखिए पिक्चर में क्या होता है कि अगर हमने खुद के से कुछ कंटेंट सेव किया हुआ है, पिक्चर का सेव की हुई है, अगर उसके हमने फ्रेम वगैरह बनाना हो, ठीक है जी, तो हम यहाँ से आराम से यूज़ कर सकते हैं। देखिए जब तक हमने ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट नहीं किया होगा तो उसका टूल्स जो है वो शो नहीं होगा। कृपया करके इस बात को आप ध्यान में रखिए कि जो भी कंटेंट आपने यूज़ किया है उसको सेलेक्ट करना ज़रूरी है। अगर सेलेक्ट नहीं किया होगा तो उस ऑब्जेक्ट के जो टूल्स हैं वो आपके सामने शो नहीं होंगे। अब जैसे यहाँ पे दिया हुआ पिक्चर बॉर्डर एक है, देखिए पिक्चर स्टाइल्स में, पिक्चर स्टाइल्स में यहाँ पे जाके दिया हुआ है कि जैसे पिक्चर स्टाइल्स में बने बने शेप्स हैं, एक है साथ में जो पिक्चर बॉर्डर इफेक्ट्स वगैरह दिया हुआ है, तो उस चीज़ का मतलब है कि ये हमने अपने हिसाब से यूज़ करना हो। बाकी आप वीडियो को थोड़ी देर देखते रहिए, जहाँ भी अगर आपको समझ ना आए तो वीडियो को पॉज कर लीजिए और फिर उसको ध्यान से देखिए। बाकी अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई भी आपको आपके माइंड में कोई भी सम हो, क्वेश्चन हो, तो आप हमारी वीडियो के नीचे जो है उसमें कमेंट पे आप हमें पूछ सकते हैं। बाकी आगे पोजीशन, पोजीशन में क्या होता है, जैसे पूरे पेज के टॉप में, बॉटम में, लेफ्ट में, राइट में, जहाँ पे भी आपने वहाँ उसको शो करना है, ठीक है जी। जैसे यहाँ पे आ गया टॉप लेफ्ट, टॉप सेंटर, टॉप राइट, मैं आपको उसको स्मॉल व्यू में अभी शो करता हूँ। देखिए अब यहाँ पे आपको ये आ गया टॉप लेफ्ट, ठीक है जी। अब हमें पिक्चर को थोड़ा सा स्मॉल करना पड़ेगा, ये आ गया इनलाइन भी टेक्स्ट। अब हमें पहले टेबल को कन्वर्ट करना पड़ेगा ताकि इससे हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। फॉर्मेट में जाके पोजीशन टॉप लेफ्ट, टॉप सेंटर, टॉप राइट, या मिडल लेफ्ट, मिडल सेंटर, मिडल राइट, बॉटम लेफ्ट, बॉटम सेंटर, बॉटम राइट, देखिए, ठीक है जी। फिर इसके बाद आता है हमारा रैप टेक्स्ट। रैप टेक्स्ट में क्या होता है कि आपने कंटेंट को, ऑब्जेक्ट को टेक्स्ट के बीच में किस हिसाब से हमने फिट करना हो। अब जैसे अगर इन लाइन भी टेक्स्ट में क्या होता है, ये लाइन के साथ साथ चलता है। स्क्वायर में क्या होता है कि ये फ्री हैंड मूव होता है, स्क्वायर, टाइट और थ्रू में। टॉप एंड बॉटम में क्या होता है कि टेक्स्ट जो है वो ऑब्जेक्ट के टॉप और बॉटम में शो होगा। अब इसको हम नॉर्मल पोजीशन में लेके जाएंगे, देखिए, ठीक है जी। बाकी इसमें ये आ गया ब्राइटनेस वगैरह, इसका कंट्रास्ट वगैरह हमने अपने हिसाब से करना हो सेट, ठीक है जी। तो इसमें कलर के आगे फ्रेम वगैरह ये कुछ फंक्शन दिए हुए हैं, इसको आप ध्यान से देख सकते हैं और अपनी ज़रूरत के मुताबिक आप उसको यूज़ कर सकते हैं। ये आ गया अपनी हमने पिक्चर करना हो चेंज, ये होता है रीसेट पिक्चर कि हमें बाय डिफॉल्ट जो उसके साइज है वो एक्चुअल साइज में हो जाएगा शो। बाकी इसकी बैकग्राउंड वगैरह रिमूव करनी हो, फिर इसका आ गया अंडू, फिर आ गया इसमें क्रॉप, ये आ गया रोटेट करना हो लेफ्ट राइट वर्टिकल, ये आ गया अलाइनमेंट सेंटर राइट टॉप मिडल, आप अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। वो फिर आ गया क्रॉप, क्रॉप होता है कि हमने अपने हिसाब से इसको क्रॉप करना हो, जितना पोर्शन की हमें ज़रूरत है हमें उतना उतना करना पड़ेगा सेलेक्ट। क्रॉप पे क्लिक किया तो ये उसका बन गया साइज़, ठीक है दोस्तों। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो कृपया करके आप हमारा हमारे ये चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। धन्यवाद।